प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की ये तस्वीर यूपी के गोंडा जिले की है। अपूर्व टंडन इस केंद्र के संचालक हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जन औषधि केंद्र पर दवाओं की उपलब्धता कैसी है और जेनरिक दवाओं के दाम में फर्क कितना है। यहाँ सर दवाएं सारी उपलब्ध हैं, जो कि अभी तक जिनका पेटेंट खत्म हो चुका है और जो जेनरिक कैटेगरी में आ जाती हैं, वो लगभग सारी दवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। मार्केट की दवाओं में और यहाँ की दवाओं में सिर्फ इतना सा फर्क है कि मार्केट में जो आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं वो किसी पर्टिकुलर ब्रांड या किसी पर्टिकुलर कंपनी का होता है, और यहाँ जो प्रोडक्ट है या जो भी दवाएं हैं वो सारी जेनरिक हैं, और जो कि बिना ब्रांड नेम के सिर्फ जेनरिक नेम से मिल रही हैं, और वो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे। एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि एक दवा ये आप देख रहे हैं, ये सॉल्ट नेम है प्री गाबालिन 75 mg। इसका कॉस्ट जन औषधि परियोजना में 19.85 रुपये की 14 कैप्सूल है, और यही दवा अन्य कंपनियों में, एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइजर कंपनी है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, विदेशी कंपनी है, इसकी यही दवा लायरिका 75 mg के नाम से आती है, जिसका सॉल्ट नेम है प्री गाबालिन 75 mg, और इसका दाम है 884 रुपये की 14 गोली, और यही दवा मोदी जी द्वारा इस परियोजना में सभी ग्राहकों के लिए मात्र 19.85 रुपये में उपलब्ध है। सुना आपने, गोंडा में जब से ये जन औषधि केंद्र खुला है, स्थानीय लोगों का अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। रिस्पांस तो इससे पता लग जाता है कि ये इस दुकान का उद्घाटन हुआ है 7 मई 2017 में, और आज की डेट में मेरे पास ये कंडीशन है, जो प्रोडक्ट मैं एक महीने में 10 पत्ते बेचता था, आज उस प्रोडक्ट की खपत मेरे पास 50 डिब्बे की हो गई है, क्योंकि सस्ता होने की वजह से लोग इकट्ठा खरीद ले जा रहे हैं, और जब आदमी रिपीट आता है तो इसका मतलब अपने आप में ये खुद ही साबित करता है कि दवाएं 100% इफेक्टिव हैं। लोगों को यहाँ पर बेहतर दवाएं मिल रही हैं, यही वजह है कि लोग केंद्र सरकार के काम से खुश हैं। बेनिफिट जो उसमें ये है कि ये दवाइयाँ मेरे को मतलब ये 80% मतलब डिस्काउंट पे मिलती है उसी फार्मूले की, और अंतर तो मेरे समझ से कोई भी नहीं है, और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पैसा जो है बहुत मेहनत से कमाया जाता है, बहुत लाभ है, सस्ती दवाई तो वहाँ से कम से कम 300-400 रुपये की छूट मिलती है। अपूर्व टंडन के मुताबिक सरकार की ये योजना गरीबों के लिए बेहद जरूरी है, उन्हें दवाएं खरीदने के लिए सोचना नहीं पड़ता। गरीब जनता के लिए भारत सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि जो आदमी दवा नहीं खरीद सकता या दवा देखकर ही संतोष कर लेता था, अब वो खुले मन से आता है, और जो दवा एक एक खुराक के हिसाब से लेते थे वो आज 10 दिन की दवा लेके जाते हैं, और मोदी जी को धन्यवाद करके तब जाते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं और जेनरिक दवाओं को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। गरीबों के लिए सस्ता इलाज इन औषधि केंद्रों के माध्यम से संभव हो सका है।